फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 की अपार सफलता के बाद प्रभास ने एक बहुत बड़ा स्टारडम हासिल कर लिया है। पिछले साल प्रभास की बिग बजट एक्शन फिल्म साहो रिलीज हुई, जो औसत साबित हुई थी। तेलुगु सिनेमा में वो आज एक सुपरस्टार बन चुके हैं। वही हिंदी ऑडियंस ने उन्हें हाथों हाथ लिया है और पूरे देश में लोग उन्हें हिंदी फिल्मों में देखना चाहते हैं, इसलिए अब प्रभास ने एक और बिग बजट फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। ये फिल्म उनकी सभी फिल्मों से बड़ी बताई जा रही है और इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रखा गया है। इस फिल्म में उनके साथ पूजा हेगड़े नज़र आएंगी और ये फिल्म एक लव स्टोरी फिल्म होगी। ये फिल्म और भी खास बन चुकी है, वो इसलिए कि प्रभास ने खुद ऐलान किया है कि वो ये फिल्म पूरे भारत में रिलीज करेंगे, ताकि हिंदी ऑडियंस तक पूरी तरह से ये फिल्म पहुँच सके। और इस फिल्म में प्रभास ने इंडिया के ऑलराउंडर डिस्को किंग के रूप में जाने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती को साइन कर लिया है। प्रभास ने इस फिल्म में मिथुन दा को एक बहुत बड़े रोल के लिए साइन किया है, जो कि उनके अपोजिट एक बहुत खतरनाक विलेन का रोल करते नज़र आएंगे। विलेन के रोल में मिथुन दा 1995 में आई फिल्म जल्लाद में नज़र आ चुके हैं, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड दिया गया था। तो प्रभास के साथ आने वाली मिथुन दा की ये फिल्म बहुत ही खास साबित होने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।